हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर रेमेडी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक रेमेडी शेयर करूँगी जो कि हेयर के लिए है। इससे हमारी हेयर की ग्रोथ बूस्ट हो, हेयर की लेंथ की ग्रोथ फास्ट होने लगेगी, पहले से हेयर 3 गुना तक बढ़ने लगेगी, साथ ही हेयर की क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी, हेयर में वॉल्यूम आ जाएगा, हेयर थिक दिखेगी, हेयर फॉल होने से बचेगी, रूट स्ट्रांग होगी, हेयर में बॉन्स आएगा, हेयर सॉफ्ट स्मूथ सिल्की दिखेगी, हेयर डीपली नरिश हो जाएगी जिससे ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, रफनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये कैस्टर ऑयल को यूज़ करेंगे। ये कैस्टर ऑयल हमें लेनी है और हम सब जानते हैं ये कैस्टर ऑयल काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये कैस्टर ऑयल लिया है, कोल्ड प्रेस्ड प्योर कैस्टर ऑयल है ट्रू नेक्स्ट की। तो साथ ही साथ हम ये कोकोनट ऑयल भी लेंगे और मैंने ये पैरासूट का ये कोकोनट ऑयल लिया है। तो पहले हमें ये कैस्टर ऑयल और ये कोकोनट ऑयल को मिक्स करना है। तो कैस्टर ऑयल हम 1 स्पून लेंगे और कोकोनट ऑयल का हम 2 स्पून लेंगे, क्योंकि कैस्टर ऑयल थोड़ी कंसिस्टेंसी में थिक होती है तो इजी हो जाता है इससे हेयर पे लगाने में, थोड़ी मीडियम थिक कंसिस्टेंसी की आद हो जाती है ऑयल तो काफ़ी इजी हो जाता है, हेयर में अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, अच्छे से लग जाती है और कोकोनट ऑयल की गुडनेस भी हमारे हेयर में प्रोवाइड हो जाती है। तो दोनों ऑयल को अच्छे से मिक्स करके हमें लुक वॉर्म ये ऑयल को कर लेना है, यानी गुनगुना कर लेना है ताकि ये और इफ़ेक्टिवली अपना ये वर्क कर पाए। उसके बाद फिर हमें इसे अपने हेयर पे अप्लाई करना है। हमें इसे इस तरह से अप्लाई करना है, हेयर की पार्टीशन करके इसे हम रूट पे अच्छे से अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से पूरे अच्छे से हम स्कैल्प पे इसे अप्लाई कर लेंगे। और जो लास्ट में जो ऑयल लेफ्ट होगी उसे हम हेयर के लेंथ पे अप्लाई करेंगे, हेयर के एंड पॉइंट पे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसे हमें 8 to 10 मिनट्स के लिए हमें मसाज करना है, हल्के हाथों से हम जेंटली मसाज कर लेंगे। फिर हम इसे 2 to 3 आवर्स तक ऐसा ही छोड़ देंगे, बट अगर आप ओवरनाइट इसे अप्लाई करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर रिजल्ट इससे आएगा, क्योंकि ये ओवरनाइट काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएगा, इसकी गुडनेस अच्छे से हमारे हेयर पे प्रोवाइड हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं अपने हेयर को। तो ऐसा अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिवली आपको ये रिज़ल्ट मिलेगी। आपको ऐसा वीक में 2 to 3 टाइम्स करनी है तभी इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी, हेयर की ग्रोथ फास्ट होगी, हेयर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, हेयर की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, रफनेस भी दूर हो जाएगी, इससे हेयर स्ट्रांग हो जाएगी, हेयर थिक बॉन्सी हो जाएगी, हेयर की ओवरऑल प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं अपने हेयर के लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।